नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम जिस मैच के बारे में जानकारी दे रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान के बीच में खेला जाएगा 30T20 मैच है। मैच हमारा आज खेला जाएगा, 8:30 पे मैच स्टार्ट हो जाएगा और 8 बजे टॉस होगा। मैच हमारा गुआना के स्टेडियम में हो रहा है। तो मैच के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी GL को जीतने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि पिच रिपोर्ट, टॉप प्लेयर परफॉर्मेंस, पॉसिबल 11, प्लेयर रिसेंट रिकॉर्ड, तभी आप GL में एक अच्छा रैंक ले सकते हो। पिच रिपोर्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, बैटिंग और बॉलिंग दोनों के लिए हेल्प है। न्यूट्रल विकेट है, स्पिनर को अधिक मदद मिलेगी, तो उसी के अनुसार आपने टीम बनानी है। पॉसिबल 11 आप चेक कर सकते हैं, वेस्ट इंडीज की और पाकिस्तान की। बाकी की टीम टॉस के बाद अनाउंस होती है, अगर उसमें कोई चेंज होगा तो आप उसमें कर सकते हो। हर मैच के लिए कुछ की प्लेयर होते हैं, इम्पैक्ट प्लेयर होते हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। की प्लेयर आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि हमारे लुइस हैं, पुरान हैं, जैसन होल्डर हैं, बाबर आजम, मोहम्मद रजवान, मोहम्मद हाफिज़। ये कुछ ऐसे की प्लेयर हैं जो कि आपको 100 किसी मैच को विन करवा सकते हैं और GL में आपको एक अच्छा रैंक ला सकते हैं। हेल्प के लिए कुछ कॉम्बिनेशन है, वो आप चेक कर सकते हैं। इनको आपने रोटेशन करना है कैप्टन और वाइस कैप्टन में, मैक्सिमम कॉम्बिनेशन बनाने, जिससे कि GL में आपको एक अच्छा रैंक आ सके। कैप्टन के लिए मैं आपको चॉइस बता देता हूँ। मैक्सिमम टीम के जो कैप्टन होंगे, बाबर आजम और मोहम्मद रजवान होंगे, उनको आपने रोटेशन करना है कैप्टन और वाइस कैप्टन में, मैक्सिमम कॉम्बिनेशन बनाने, जो कि GL के लिए आपके लिए बेटर रहेंगे। कैप्टन में मैं आपको अदर चॉइस बता देता हूँ, जैसे कि हमारे ब्रॉबो हैं, जैसन होल्डर हैं, हैदर अली हैं, मोहम्मद हाफिज हैं, इनको भी आप कैप्टन और वाइस कैप्टन में रोटेशन कर सकते हैं और एक अच्छी GL टीम बना सकते हैं, जिससे कि GL में आपका एक अच्छा रैंक आ सकता है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।